एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने अपनी बात एनटीए तक फाइनली पहुंचा ही दी। उनकी तरफ से जो भी रिस्पांस आता है वो सेकेंडरी मैटर करता है, बट फर्स्टली आपकी यूनिटी ने, आप सबके हार्डवर्क ने, आपके स्ट्रगल ने आखिरकार अपनी बात एनटीए तक अपने लास्ट कैंपेन के थ्रू पहुँचा ही दी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत ही कम लोग हैं, बट जितने भी लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो लोग अपना पूरी तरीके से फोकस पढ़ाई पर ही रहें। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या नीट पोस्टपोन होगा, आप इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहे, आप हमें कोई भी न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ही पड़ा। तो जहाँ तक रही नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर के, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ उससे पहले कि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम चल रहा है जिसमें आप लोगों को कई सारी जो है डिमोटिवेशन हो रही होगी, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डिमोटिवेशन पे आप लोग के लिए बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करिएगा। और नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर के हम लोग बात करते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता है कि एनटीए जो है नीट को पोस्टपोन करने वाला है। ऐसा कुछ दिन पहले जेई के लिए भी बात हो रहा था कि एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है, हो सकता हो कि पोस्टपोन हो जाए, लेकिन एडमिट कार्ड जेई का आ गया और सडनली कुछ भी हो सकता है, वो लोग डिसीजन कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉबिलिटी नहीं है कि आपका जो है नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। तो आप लोग जो है पूरी तरीके से फोकस्ड होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, मे बी हो सकता है एंड मे बी नहीं भी हो सकता हो, तो अपना टाइम पूरा वेस्ट इसी चक्कर में मत कर दीजिए, क्योंकि अगर नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो आपका पूरा साल जो है वो वेस्ट हो जाने वाला है। एंड सेकेंड थिंग, आज शायद और एक कैंपेन चलाया जा रहा है नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर के, तो आप लोग पूरे दिन उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, जो है बस 5-10 मिनट का टाइम निकालिएगा और वहाँ पे जो है शामिल होइएगा, बाकी अपना पूरा टाइम पढ़ाई पर ही दीजिए। ये मान के चलिए कि नीट पोस्टपोन नहीं हो रहा है, आपका पेपर 17 जुलाई को ही है, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिए, ताकि अगर डिसीजन जो भी आता है आपके हक में आता है या फिर नहीं में भी आता है, तो आप जो है उसमें लॉस में ना जाएं, आपका पूरा साल वेस्ट ना जाए। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन एकदम पीक पे होनी चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे एकदम पीक पे रखनी है, आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए, आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है, तो अपना 5-10 मिनट का ही टाइम वेस्ट करें, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने को मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ने पर ही ध्यान दीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हो वो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।